आपके सामने दो शब्द, आपने राम जन्मभूमि की भी चर्चा की। लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बता दिए हैं, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बनेगा 4 महीने के अंदर। हमारे स्कूल जो चलाते हैं प्राइवेट, उनके लोगों को बुलाया। मैंने कहा कि मैं चुनाव के लिए पैसा नहीं मांगने के लिए आपको बुलाया हूं। आपको आश्चर्य होगा कि जब राजनीतिक लोग बुलाते हैं तो लगता है कि कुछ माल खाली करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज बुलाया हूं विनती करने। जब क्रिश्चियन मिशन के स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जेसस क्राइस्ट का मूर्तियां लगी होती और स्कूल कहता कि तिलक हटा लो, शिखा काट लो और आकर के उनकी पद्धति है प्रणाम करने के लिए। हम कहते बेटा कटा लो, तिलक मिटा लो, फिर जब पढ़ लेना तब फिर लगाना। बेटा धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं रस्सी रगड़ते रगड़ते कुआं पर भी दाग लग जाता है, उसके मन पर से उन बच्चा पढ़ करके IIT तो चला जाता, लेकिन बच्चे के अंदर भारत की संस्कृति और संस्कार नहीं रहता। इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल के मालिकों से आग्रह किया कि आप स्कूल चलाएं, एक भगवान का मूर्ति लगाएं, फोटो टांगें, प्रार्थना जो भी कराते हैं बच्चों से वो कराएं, लेकिन गीता का एक श्लोक। और जब क्लास में जाए तो 3 मिनट लगेगा, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करा दे, कोई दिक्कत नहीं। घर घर में जन्मदिन मनाने का, कि आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, अपने घर में भगवान के फोटो के सामने दीपक जला के मनाएं, मंदिरों में जाके मनाएं, पूरे गांव को खिलाएं, उसके दोस्तों को खिलाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केक ना काटें, मोमबत्ती ना बुझाएं। भारत ही एक ऐसा गुलाम देश रहा दूसरों की कॉपी। मम्मी, अब तो घर घर जाइए, हम लोग मैया कहते थे अपनी माँ, हमारे बच्चे कहने लगे मम्मी। चला मैया में कौन कम प्यार था, मम्मी में ज्यादा प्यार। इसलिए मैं पूछूंगा, अब तो कहीं मैया ईया माँ जी अब नहीं बची। जहां चले जाइए जंगल से लेके शहर तक, सूचित से अनुसूचित तक, सभी घरों में देखा देखी चला और अपनी संस्कृति हम छोड़ते चले गए। भगवान श्री राम प्रभु कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मम्मी मोरी मैं नहीं माखन खायो, उन्होंने कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जो हमारी संस्कार और संस्कृति है, बूदा पद्धति है, उसको बना के रखें। यही मैं प्रार्थना करके अपनी वाणी विराम देता हूं, क्योंकि आप तो मेरे भगवान हैं। महाराज भगवान दो गो हैं, एक भगवान यहाँ, एक वोटर भगवान है। ये वोटर भगवान हमारे जनता जनार्दन, वोटर भगवान है महाराज। आज देखते हैं वोट के लिए लोग देश के विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं, इसलिए जनता जनार्दन नहीं है, वोट भगवान है। आज वोट ही देश को 2 भागों में बांट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।